तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 12 इंग्लिश प्रोज। तो आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज का जो पहला लेसन है द लास्ट लेसन अर्थात अंतिम अध्याय, इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से स्पष्ट करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में होगा, यह अनुमान लगाया गया है कि सारे सब्जेक्ट में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इस वजह से आपका इंग्लिश का जो पहला लेसन है इंग्लिश प्रोज का द लास्ट लेसन अर्थात अंतिम अध्याय, इसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और यदि आप द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो चाहते हैं या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो चाहते हैं या फिर इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और द लास्ट लेसन अर्थात अंतिम अध्याय नामक इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश दिया गया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आर फ्रेज, यानी सबसे उपयुक्त शब्द अथवा वाक्यांश का चुनाव कीजिए, दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस, जो कि वाक्य को सबसे अच्छी तरह पूरा करता है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्प से। तो दिए गए विकल्प से सबसे उपयुक्त वर्ड अथवा वाक्यांश का आपको चुनाव करना है जो कि वाक्य को सबसे अच्छी तरह पूरा करता है। तो यहाँ पर पहला जो आपका सेंटेंस दिया है वह है फ्रांज वाज इन अ ग्रेट ड्रेड, यानी फ्रांज को अत्यधिक भय था आप स्कॉल्डिंग डांट पड़ने का, बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड, क्योंकि एम हैमल कह चुके थे दैट कि ही वुड क्वेश्चन देम, वे उनसे प्रश्न करेंगे, ऑन इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव पर, ऑन पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स पर, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल्स यानी ऑन आर्टिकल्स आर्टिकल्स पर, ऑन प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन पर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑलरेडी मैंने इस लेसन को टीच किया हुआ है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है पार्टिसिपल्स यह सही है, तो पार्टिसिपल को आप टिक कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है एम हैमल वाज वियरिंग हिज ग्रीन कोट, यानी एम हैमल अपने हरे कोट को पहने हुए थे, विच जो कि ही ओनली ओर्न, जो कि वह केवल पहनते थे, ऑन डेज किन दिनों पर पहनते थे, प्राइज पुरस्कार के दिनों पर, इंस्पेक्शन यानी जांच पड़ताल के दिनों पर, स्पेशल डेज विशेष दिनों पर, ऑल ऑफ द अबव इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आपको उसी का चुनाव करना है। तो यह जो भी इसमें ऑप्शन है प्राइज इंस्पेक्शन स्पेशल यह सारे ही सही हैं, इस वजह से ऑल ऑफ द एबव जो है यह आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि वह पुरस्कार वितरण के दिनों पर या फिर जांच पड़ताल के दिनों पर या निरीक्षण के दिनों पर या फिर विशेष दिनों पर पहना करते थे अपने हरे कोट को, तो ऑल ऑफ द एबव जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी सीट पर माउंटेड बैठ गए या फिर विराजमान हो गए, एंड सेड और कहें, माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चों, दिस इज द लेसन आई शैल गिव यू, यह लेसन है मैं तुमको दूंगा या तुम लोग को सिखाऊंगा। तो कैसा लेसन है, फर्स्ट लेसन है या फिर ओनली लेसन है या फिर बेस्ट लेसन है या फिर लास्ट लेसन है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको उसी को फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन फोर अर्थात लास्ट द लास्ट लेसन, ठीक है, यही आपका लास्ट जो है ऑप्शन वह सही है। इसके बाद जो मैंने अगला सेंटेंस लिखा है उसे देखते हैं, द ओल्ड मैन वर सिटिंग, वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे इन द बैक ऑफ द क्लास, उस कक्षा के पीछे, एंड इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग, और यह उनका धन्यवाद देने का तरीका था, दियर मास्टर अपने मास्टर को या गुरु जी को, फॉर हिज ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके वफादार सर्विस के लिए, कितने वर्षों की वफादार सर्विस के लिए, तो 14 वर्ष की या फिर 20 वर्ष की या फिर 30 वर्ष की या फिर 40 वर्ष की। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो ऑप्शन फोर है वह सही है, यानी कि 40 वर्षों की फैथफुल सर्विस के लिए वे उन्हें धन्यवाद दे रहे थे, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस है,
दियर पेरेंट्स प्रीफर्ड, उनके माता पिता अधिक पसंद करते थे पुट देम टू वर्क, उन्हें कार्य करने के लिए ऑन अ फार्म यानी खेत पर, यानी उनके माता पिता खेत पर काम करने के लिए उन्हें रखना या फिर लगाना अधिक पसंद करते थे, और अथवा एट द, और अथवा कहाँ पर आपको बताना है, सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, ताकि उनके पास और अधिक धन हो सके। तो खेत के अलावा और कहाँ पर, फैक्ट्रीज में रखना अधिक पसंद करते थे, या कंपनीज में, या फिर शॉप्स पर, या फिर मिल्स में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है मिल्स, यही जो है वह सही है, मिलों में वे रखना उन्हें अधिक पसंद करते थे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस है वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, यानी जब एक देश के लोगों को दास बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज, जब तक दे होल्ड फास्ट, वे दृढ़ता से पकड़े रहते हैं टू दियर लैंग्वेज, अपनी भाषा को, अर्थात वे अपनी भाषा को दृढ़ता से बनाए रखते हैं, इट इज, ऐसा होता है, एज इफ, मानो दे हैड द, दे हैड, उनके पास है टू दियर प्रिजन, यानी अपनी जेल का। तो क्या है उनके पास, एग्जिट है, या वे है, या फिर की है, या फिर गेट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, उनके पास अपनी जेल का क्या है, की यानी चाबी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3rd है वह सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस है ऑन द पिजन्स कुड वेरी लो, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है रूप, दूसरा ऑप्शन है वाल, तीसरा ऑप्शन है गेट, चौथा ऑप्शन है टीन। तो कहाँ पर कबूतरों को बहुत ही धीमी आवाज में कूजते हुए देख, यानी कि सुना गया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन रूफ जो है वह आपका सही है, छत पर। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस है व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माय राइटिंग, जब भी मैंने अपनी लेखनी से ऊपर देखा, या फिर जब भी मैं लिखते हुए ऊपर देखा, आई सा, मैंने देखा, एम हैमल सिटिंग, बैठे हुए थे, इन हीज चेयर, अपनी कुर्सी में, कैसे बैठे हुए थे, साइलेंट बैठे हुए थे, या फिर हैप्पी बैठे हुए थे, या फिर सैड बैठे हुए थे, या फिर मोशनलेस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको ही बताना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसका आंसर बता देता हूँ। तो मोशनलेस जो है, चौथा ऑप्शन जो है वह सही है। इसके बाद अगला सेंटेंस है आफ्टर द राइटिंग, यानी लेखनी के बाद, वी हैड अ लेसन, हम लोगों ने पाठ किया, इन इंग्लिश इंग्लिश में, इन हिस्ट्री इतिहास में, इन फ्रेंच फ्रेंच में, या फिर इन जर्मन, या फिर जर्मन में। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है इन हिस्ट्री, यह जो है आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद अगला सेंटेंस है एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए, वेरी इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में, बहुत, कैसे, लीन, झुके हुए, थीन, पतले, पेल यानी कमजोरी, या फिर पीला मैं, वीक मतलब कमजोर। तो एम हैमल खड़े हो गए अपनी कुर्सी में, वेरी पेल, बहुत ही कमजोरी से, या बहुत ही शांत, या फिर बहुत ही पीले में। तो पेल जो है वह सही ऑप्शन है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जाते जाते यहाँ पर मैंने एक प्रश्न आपके लिए लिखा है, और आपको इसका जो सही ऑप्शन है वह चुनकर कमेंट के माध्यम से अपना आंसर सेंड करना है। वह क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ द लास्ट लेसन, यानी अंतिम अध्याय के लेखक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर 4 आपको देखने को मिल रहा है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन सही है, और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।